हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। तो गाइस आज है मेरे पास एक ऐसी पावरफुल 200cc इंजन जिसके इंडिया में बहुत सारे फैन हैं। तो जी हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ KTM RC 200 के बारे में। तो गाइज ये बाइक आती है अराउंड 2 लाख एक्स शोरूम प्राइस इन इंडिया, और इसका जो इंजन पावर आउटपुट है वो है अराउंड 26 BHP, और जो इसका मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है वो है अराउंड 20 न्यूटन। तो गाइज हर गाड़ी का एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट रहता है जो कि कोई भी कस्टमर अपने बाइक बाय करने से पहले चेकआउट करता है। तो बस अपने वही बात करेंगे आज KTM RC 200 के प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स के बारे में। तो गाइज जो सबसे पहला चीज़ आता है जो कोई भी ओनर बाइक को खरीदने से पहले देखता है वो इंजन। तो गाइज इन द सेगमेंट ऑफ 200cc इंजन, तो ये बाइक का सबसे बेस्ट इंजन है क्योंकि ये इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, और इसका जो गेयर बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शिफ्टिंग करता है गेयर्स को। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि 0 to 100 km अराउंड 9 point something सेकेंड में कवर कर लेता है, और ये जो इसका टॉप स्पीड है अराउंड 140 km/h है। तो गाइज सेकेंड पॉइंट आता है इसका लुक। तो गाइज कोई भी अगर बाइक बाय करने जाएगा तो सबको सबसे पहले जो बाइक का प्रेजेंटेशन है वो अच्छा दिखना चाहिए, यानी जो बाइक दिख कैसी रही है। तो गाइज ये चीज़ में ये KTM RC 200 सबसे बेस्ट 200cc इंजन बाइक। ये बाइक आती है स्टनिंग व्हाइट एंड ऑरेंज कलर में जो बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है और इजीली कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है अपने ओर खींचने में। तो गाइज इसका तीसरा पॉइंट आता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो गाइज आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जैसे कि आपके करंट गियर पे कौन से, आपकी स्पीड, आपका फ्यूल गेज, आपका जो है हीट गाड़ी का टेम्परेचर, और जो है आपका एवरेज, और बहुत सारा रनिंग टाइम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको आपके इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो कि एक वेल पैक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बाइक का। तो गाइज अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की। तो गाइज ये आता है अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ, जो कि इस प्राइस रेंज में खाली एक ही ऐसी बाइक है जो आपको अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होगा आपका जो गाड़ी का जो हैंडलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो गाइज इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसका एरोडायनामिक। तो गाइज ये बाइक का एरोडायनामिक सबसे बेस्ट है क्योंकि ये आपको थोड़ा भी विंड ब्लास्ट नहीं महसूस करने देता है, और आप इसको आराम से स्मूथली कंट्रोल कर सकते हो, आप इजीली कॉर्नरिंग कर सकते हो, और आपको थोड़ा भी विंड ब्लास्ट। तो गाइज अभी हम लोग इसके कुछ माइनस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइज कोई भी कस्टमर अगर कोई बाइक खरीद रहा है तो वो लेने से पहले 2-3 चीज़ को चेकआउट करेगा कि मेरे बाइक में ये चीज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है बाइक में, वो है इसका राइडिंग पोस्चर, यानी इसका गाड़ी के बैठने का जो पोजीशन है वो। तो गाइज ये इसका गाड़ी में बैठने का पोजीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आपके दोनों हैंड्स में पेन होने लगता है और आपका बैक भी जॉइंट पेन होता है, यानी आप इसे जो है लॉन्ग राइडिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। और जो दूसरा मैंने जो पर्सनली फेस किया है वो उसका इंजन का हीटिंग है, गाड़ी बहुत ही जल्दी हीट हो जाती है और जो सारा जो गर्म हवा है वो अपने पैर पे आता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है इसका चलाने का। तो गाइस थर्ड पॉइंट आता है इसका फ्यूल टैंक। तो गाइस इसका फ्यूल टैंक है अराउंड 9 लीटर जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, यानी आपको हर 200 to 300 km में इसको पॉपअप कराना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पक्का अटकोगे अगर लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो या फिर आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी कर। तो गाइज इसका चौथा पॉइंट है इसका माइलेज। तो गाइज ये अराउंड 30 to 35 km का माइलेज देती है, और जो कि 200cc के इंजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।